हाय एवरीवन, मैं हूँ छवि और आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल जनरल टॉक्स विद छवि में। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आपको दिखेगा, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। बाजू में ही एक बेल आइकॉन भी होगा, उसको भी आप क्लिक कर दीजिए। उससे ये होगा कि जब कभी भी मैं कोई भी अपना वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मेरा एक और यूट्यूब चैनल है पुणे ब्लॉगर छवि, तो अभी तक आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे उस चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर दीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज जो मैं फेस पैक लेकर के आई हूँ वो बहुत ही बेहतरीन फेस पैक है। मैं आपको टू ऑप्शन दूंगी, उसमें से आप देखिए कि आपको बेटर कौन लगता है और मैं दोनों को फेस पैक को अपने फेस के ऊपर अप्लाई करके आपको दिखलाऊंगी। एक जो आप होममेड है और एक वो मार्केट का है, वो आप डिसाइड कीजिए कि आपको बेटर कौन लगता है। मुझे दोनों बेटर लगता है, काम दोनों सेम करने वाला है। और मुझे आज थोड़ी खांसी है तो बहुत बेहतरीन है। तो फेस पैक वो है, वो ये फेस पैक है। ये जो क्या करेगा, आपकी स्किन में जितने भी आपके धूल और डस्ट है, आप ऑफिस जाते हो, स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, जहाँ कहीं भी आप जाते हो, आप बाहर से आते हो, तो आपकी धूल, आपकी स्किन पे एक लेयर बैठ जाता है धूल और डस्ट का, तो उन सबको ये क्लीन करेगा अच्छे से। उसके बाद इसमें कोई एज ऐसा नहीं है कि आप नहीं लगा सकते हो। अगर आपकी उम्र 10 साल से ऊपर की है, 10 साल से नीचे मैं बोलूँगी प्लीज़ कुछ भी आप मत लगाओ, लेकिन अगर आपकी उम्र 10 साल से ऊपर की है तो आप आराम से इसे लगा सकते हो। या फिर आप मेल हो या फीमेल हो या बच्चे हो, आप आराम से इसे लगा सकते हो। तो ये बहुत बेहतरीन है, आपकी रंगत को निखारेगा। अगर आपका धूप और डस्ट और किस वजह से अगर आपकी स्किन टोन कम हो गई है, तो आपके स्किन, अगर आप इस फेस पैक को लगाते हो तो आपके स्किन से मैल को ऐसे निकालेगा, लगेगा जैसे कि वो सालों भर का वो बोलते हैं ना अपने फेस के ऊपर मैल जमा हुआ है, वैसे आपके स्किन से एक परत निकाल देगा। आपकी स्किन को बहुत क्लीन, मतलब क्रिस्टल क्लियर बोलते हैं ना, वैसा आपके स्किन को कर देगा। लेकिन हाँ, हर चीज़ सबको सूट नहीं करता है, मैं फिर से बोल देती हूँ। तो अगर आपको लगे कि ये आपको सूट नहीं कर रहा है, नहीं करेगा, तो प्लीज़ आप इस पैक को नहीं लगाइए। मैं हर रोज़ एक नया पैक बनाती हूँ, आप खुद अपने दिमाग से सोचो कि आपको कौन सा लगाना है। और अगर आपको कोई भी पैक लगाने की इच्छा होती है तो पहले पैच टेस्ट कीजिए, फिर उसको लगाइए। क्योंकि मैं अपने हिसाब से, मैं जो भी पैक लेकर के आती हूँ बहुत बेहतरीन लेके आती हूँ, और पहले अपने ऊपर लगाती हूँ फिर उसको आप सबके लिए लेकर के आती हूँ। तो मैं अपने पैक को लेकर के फुल्ली, मतलब होते ना 100% कन्फर्म रहती हूँ कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन वो आपको देखना है कि आपको इफेक्ट, आपको सूट करेगा कि नहीं। तो चलिए आगे देखते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं और इसको अपने फेस पे लगाते कैसे। जो मेरा फर्स्ट इन्ग्रीडियंट है वो है बेसन। आपको जो नॉर्मल जो अपना बेसन जो होता है, जिसे ग्राम फ्लावर भी कहते हैं, वो आपको लेना है। वो तकरीबन मैं ली हूँ। आप सबको पता है कि स्किन से जितनी हमारी रंगत को साफ करने में, हमारी रंगत को साफ करता है, हमारी स्किन टोन को फेयर करता है, तो ये सब काम बेसन का होता है। जो मेरा सेकेंड इन्ग्रीडियंट है वो है चारकोल पाउडर। ये इजिली अमेजोन और फ्लिपकार्ट और स्नैपडील सब पे अवेलेबल है। आप चाहो तो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। तो मैं सारे जो भी मैं यूज़ करूँगी सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो मैं 1 स्पून बेसन ली हूँ, तो मैं 1/2 स्पून, ये देखिए 1/2 स्पून जो है मैं चारकोल पाउडर ली हूँ, 1/2 स्पून। अब ये चारकोल पाउडर क्या करेगा, आपके स्किन के अंदर जितनी भी गंदगी है, आप धूल डस्ट में आप जाते हो और आपकी स्किन जितनी भी टैन हो गई, मैं तो आपकी स्किन जितनी भी झुलस गई हो ना धूप में जा कर के इधर उधर, वो सबको ये ठीक करेगा। प्लस आपकी मतलब इस आपकी रंगत को ये निखारेगा। और आपसे मैं मिला चुकी हूँ। अब जो इसके अंदर मैं थर्ड इन्ग्रीडियंट ऐड करने वाली हूँ वो है हनी। तो अभी थर्ड इंग्रेडिएंट है हनी। हनी जिनको नहीं सूट करता है वो स्किप कर सकते हैं। हनी जो है, हनी भी मैं 1/2 स्पून के करीब में ली हूँ, सिर्फ 1/2 स्पून हनी ली हूँ मैं। अब जो मेरा फोर्थ इंग्रेडिएंट है वो है कर्ड, दही।
तो आपको दही लेना है, आपको उसकी मलाई ऊपर में, जो दही के ऊपर जो वो मलाई आ जाता है वो नहीं लेना है, उसका आपको पानी लेना है सिंपल, और इन सबको अच्छे से आपको मिक्स करना है। तो ये बन चुका है और अब इसे लगाते हैं। तो आज अब फेस पे जो है, एक तरफ मैं इसे लगाने वाली हूँ और एक तरफ लगाने वाली हूँ मैं गुड वाइब्स का एक्टिवेटेड चारकोल डीप क्लिंजिंग फेस पैक, फेस मास्क ये लगाने वाली हूँ मैं। हाफ हाफ डिवाइड करूँगी मैं इतना यूज़ कर चुकी हूँ इस पैक को, ये देखिए इतना ख़त्म कर चुकी हूँ, दिख रहा है आपको, इतना ख़त्म कर चुकी हूँ। अगर आपको ये पैक लगाना है, अगर आप इस पैक को लगाते हो, तो भी आपको वीक में सिर्फ 2 बार ही इसे यूज़ करना है। वीक में आप कोई भी दो 2 डेज फिक्स कर लो, उसमें आपको सप्ताह में से 2 दिन लगाना है और ये काम कमाल करने वाला है। और अगर आप इस पैक को चूज करते हो, तो इस पैक को भी आपको सप्ताह में सिर्फ 2 बार ही लगाना है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, अब पैक लगाना शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले मैं इस पैक को लगाती हूँ अपने राइट साइड फेस पे। आप ध्यान से देखना, अभी आपको मेरी स्किन, और बाद में आप फिंगर से ही लगा लेते। इन दोनों को सूखने में कम से कम 20 मिनट लगेंगे, 15 to 20 मिनट्स लगेंगे। तो 15 to 20 मिनट्स के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, आपके सामने फेस को वॉश करूँगी, क्लीन करूँगी, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि बेटर कौन है, इफेक्ट ज़्यादा किसका आया है। तब तक के लिए बाय बाय। 20 मिनट्स हो चुके हैं और फेस सूख चुका है। तो अब देखिए कैसा है। पहले मैं ये यूज़ कर इसको क्लीन कर। मैं प्रॉपर अभी वॉश नहीं की हूँ, आपके सामने क्लीन की हूँ सिर्फ मैं। आप मेरे स्किन पे देखिए कि आपको इफेक्ट ज़्यादा किधर दिख रहा है। ये इस तरफ है, ये चाकू लगाई थी मैं, एक्टिवेटेड चाकू, और इस तरफ लेफ्ट में मैं होममेड चाकू फेस पैक लगाई थी, ये और ये। अब आप मुझसे पूछोगे, मैम आपको बेटर कौन लगता है? तो मुझे दोनों बेटर लगता है। ऐसा नहीं है कि ये खराब है ये अच्छा है, ये अच्छा है तो ये खराब है, दोनों अपने जगह पे बेस्ट है। लेकिन जिनको टाइम इतना नहीं है कि चाकोल मिक्स करे, बेसन मिक्स करे, दही मिक्स करे, ये सब मिक्स करे और अपने फेस पे लगाए, तो उनके लिए ये बेस्ट है। मीन्स बहुत बेहतरीन है, इसमें पैराबिन नहीं है सर, मतलब पैराबिन और केमिकल फ्री है ये प्रोडक्ट, ठीक, थोड़ा बहुत प्रिजर्वेटिव डाला हुआ है, तो उनके लिए ये बेस्ट है। लेकिन और ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है इसका, इसका प्राइस जो है आपको मैं बताती हूँ, याद नहीं है मुझे। तो
225 इसका प्राइस है, लेकिन 225 रुपये लिखा है, लेकिन ये जो है आपको मोस्टली 175 175 से 200 तक में ये आ जाता है। और अगर आप चाकोल लेने जाते हो तो चाकोल भी है, वो कितना एक्टिवेटेड है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो चाकोल आपको 50 रुपीज़ से लेकर के 200 तक रुपीज़ में आता है, मतलब 50 रुपये से लेकर के 200 रुपये तक में आपको मतलब चाकोल मिल जाएगा अमेज़ोन, या 50 में तो मिलेगा ही नहीं, 100 रुपीज़ में आप चाकोल या 200 रुपीज़ में आप चाकोल ले सकते हो। तो आप सोचो कि आपको बेटर कौन लगता है। मेरे लिए दोनों बेटर है, इफ़ेक्ट मुझे मेरे स्किन में सेम दिखाया, आप मुझे बताइएगा कि आपको किस पे ज़्यादा इफ़ेक्ट दिखाएं। तो अगर आपको ये चाहिए तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से जा करके इसको ले सकते हैं। तो इसको वीक में कितने बार लगाना है मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, वीक में 2 बार लगाना है, उससे ज़्यादा आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आपके स्किन से लेयर जो है वो ना काली परत जो है आपके फेस पे, जो धूल डस्ट का जो परत बैठ गया है ऐसे, वो आपके स्किन से एकदम इजीली रिमूव हो जाएगा और आपकी स्किन जो है वो बहुत खूबसूरत हो जाएगी, बहुत साफ सुथरी और ग्लोइंग हो जाएगी। तो अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आए, लगे कि थोड़ा मैं अच्छा कोई पैक लाई हूँ या कुछ नॉलेज दी हूँ अच्छा, तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। मेरा एक और YouTube चैनल है जिन पुणे ब्लॉगर छवि, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हो दे दूंगी। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब उस चैनल को नहीं करते, कोई बात नहीं, फिर भी मैं बोल देती हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चाहें तो मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मेरा वीडियो